गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका न्यू क्लास में आपका इंग्लिश रीडर की आज क्लास है। इंग्लिश रीडर की बुक है ये, और इंग्लिश रीडर का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश रीडर का द मर्चेंट्स कारवन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे द मर्चेंट्स कारवन। तो मर्चेंट्स का मीनिंग क्या होता है? मर्चेंट जो होते हैं हमारे सौदागर होते हैं, जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं उनको सौदागर बोला जाता है। ओके, तो उनके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वंस देयर वॉज अ मर्चेंट हु हैज फाइन स्किल्स एंड ड्रग्स टू सेल। एक दिन वन मर्चेंट जो थे वो आए किस पे? ड्रग्स टू सेल। ही विश टू सेंड हिज गुड टू अ कंट्री ऑन हिज अदर साइड ऑफ द सैंडी डेजर्ट। सैंडी डेजर्ट मीन जो रेगिस्तान होता है ना, सैंड जहाँ पे धूल ही धूल होती है, वो साइड से अदर साइड से वो हमारी कंट्री में गुड्स मीन्स होते। तो वो जो लोग जो सौदागर थे बाहर से, कहाँ से आए थे वो? सैंडी डेजर्ट से आए थे वो, और किस चीज़ों के लिए? अपने गुड्स को बेचने के लिए, सेल करने के लिए। ओके, द मर्चेंट ऑन अ लार्ज कारावन ऑफ कैमल्स एंड ही एम्प्लॉयड मैनी मैन। द मर्चेंट्स ऑन लार्ज कारावन ऑफ कैमल। लार्ज कारावन मतलब बहुत ज़्यादा उनके साथ क्या थे? कैमल, जैसे ऊँट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कारावन। ओके, तो उनके साथ बहुत सारे क्या आए थे? आदमी भी आए थे। कैमल्स वर द ओनली एनिमल्स स्ट्रांग इनफ टू ट्रैवल ओवर द डेजर्ट विद द हैवी लोड। एक कैमल ही ऐसा एनिमल है जो हैवी लोड उठा सकता, मतलब कैरी कर सकता है, और डेजर्ट में आराम से सर्वाइव भी कर सकता है, आराम से चल भी सकता है, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं ना कैमल को, तो इसी वजह से वो डेजर्ट में इजीली सर्वाइव कर सकता है और हैवी लोड्स भी कैरी कर सकता है। फॉर मैनी डेज, बहुत टाइम, बहुत डेज बाद, बहुत दिन बाद, अब्दुल द मर्चेंट एंड हिज मैन हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी। अब्दुल जो था, एक मर्चेंट था, मतलब सौदागर था, उसने एक प्रिपेयर किया जर्नी के लिए। प्रिपेयर किया, द कैवन्स टेंट एंड द पोल्स वर प्लेस्ड अपॉन वन कैमल। उसने जो टेंट्स एंड पोल्स जो लगाते हैं ना, जैसे हम कहीं भी कहीं जाते हैं तो टेंट और पोल्स लगा देते हैं, तो उन चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया? प्रिपेयर किया, क्योंकि हमें एक जर्नी पे जाना है, यात्रा पे जाना है, तो उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें नीड होगी। ग्रेटर लेदर बॉटल ऑफ वाटर वर लोडेड अपॉन अनदर कैमल। और एक कैमल पे उन्होंने क्या किया? एक ग्रेट लेदर बॉटल जो होती है, लेदर की जो बॉटल होती है ना, जैसे आपने देखा होगा लेदर चमड़े को बोलते हैं। ओके, तो एक बॉटल होती है, ब्लैक कलर की बॉटल होती है वो, उसमें क्या होता है? पानी भर करके कैमल पे रख दिया। एक कैमल पे उन्होंने क्या रखा? अपने सारे पोल्स, टेंट, जो भी उन्होंने चाहिए थे रहने के लिए, वो सारा सामान एक कैमल पे। एंड नेक्स्ट दूसरे कैमल पे उन्होंने क्या रखा? बहुत सारी बॉटल्स भर करके पानी की रख दी। फायरवुड एंड बैग्स ऑफ राइस एंड बर्ली मील्स वर प्लेस्ड अपॉन स्टिल अनदर। और दूसरे वाले जो तीसरा ऊंट था, उसके ऊपर फायरवुड्स जलाने के लिए लकड़ियाँ, बैग्स, राइस, बहुत सारे जितना भी उनको मील चाहिए था, वो सारा का सारा उन्होंने रख दिया। इट रिक्वायर्ड मैनी कैमल्स टू कैरी द मर्चेंट्स गुड्स। और उन्होंने अदर कैमल पर सारी की सारी जितनी भी उनकी गुड्स थी, चीज़ें थी, जो भी उनको कैरी करना था, ले जाना था, वो सारा का सारा नेक्स्ट उन्होंने डाल दिया। एट लास्ट द कारावन वॉज रेडी फॉर द जर्नी। और जितने भी कारावन थे वो सारे के सारे जर्नी के लिए रेडी हो गए, मतलब यात्रा के लिए रेडी हो गए। द सन शॉन सेटली मेकिंग द सैंड टू सो हॉट दैट नो वन कुड वॉक अपॉन इन इट इन द डे टाइम। जो वहाँ जब सन ऊपर जस्ट शाइन करने लगा, बहुत तेज चमकने लगा, तो क्या हुआ? वहाँ की जो सैंड थी, मतलब रेगिस्तान की, आप देखते हैं ना मिट्टी कितनी गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेजर्ट जो था बहुत गर्म था, उस पर कोई भी वॉक नहीं कर पा रहा था। और किस टाइम? दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, वो हॉट होता है, गर्मी रहती है, तो वो मिट्टी भी कैसी हो जाती है रेगिस्तान की? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। बट एट नाइट बोथ मैन एंड कैमल्स कुड ट्रैवल ईजिली। लेकिन दिन के मुकाबले रात में वो अच्छी तरीके से चल रहे थे, अच्छे तरह से ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि डे में क्या था? सूरज चमक रहा था,
सूरज की जो हीट थी वो सैंड को क्या कर रही थी, गर्म कर रही थी, लेकिन नाइट में वो इतनी ही ठंडी रहती है। ओके, डेजर्ट में ऐसे होता है, डे के टाइम गर्म और नाइट के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सो अब्दुल द मर्चेंट सेड टू देम, द मैन बी रेडी टू स्टार्ट आफ्टर सनसेट टू नाइट, गिव द कैमल्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक एंड फीड देम वेल, फॉर वी शैल हैव अ लॉन्ग हार्ड जर्नी। इस जर्नी पे जाने के लिए उन्हें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी, ठीक है। और जब सनसेट हुआ, स्टार्ट सनसेट हुआ, उस रात का जो सनसेट था बहुत ज़्यादा कैसा था, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। अब्दुल एंड हिज मैन ट्रेवल एट ऑल नाइट, ऑल दैट नाइट। अब्दुल और उसके जितने भी साथी थे उन्होंने पूरी रात क्या किया, ट्रैवल किया। वन मैन वॉज द पायलट, एक मैन जो था वो क्या था, पायलट था। पायलट किसे बोलते हैं, जो जहाज उड़ाते हैं, एरोप्लेन चलाते हैं, उनको बोलते हैं। ही रोड अहेड फॉर द न्यू द स्टार्स एंड बाय देम ही कुड गाइड द कारावन। स्टार्स को देख करके उनने कारावन को क्या किया, गाइड किया। ओके, एट डे ब्रेक दे स्टॉप, और डे ब्रेक में उसने स्टॉप कर दिया सबको। द स्पेयर्ड द कारावन टेंट एंड फीड द कैमल्स, दे बिल्ट फायर, कुक द राइस एंड मेड केक्स ऑफ द बर्ली मील्स ड्यूरिंग द डे। द मैन रेस्टेड इन द शेड ऑफ द टेंट। अब उन्होंने जब रात हो गई थी पूरी, एक पूरी रात चलने के बाद, जब उन्होंने सब लोग रुक गए एक जगह, उन्होंने अपने टेंट वेंट पोल्स वोल्स सब लगा दिए अच्छे से, और वहाँ पे उन्होंने फायरवुड लगा करके क्या करा, कुक राइस को कुक किया, अपने लिए मील तैयार किया, और पूरे दिन का खाना उन्होंने, पूरे दिन उन्होंने रेस्ट किया, खाना खाकर आराम से वो इन्जॉय करा उस नाइट को। आफ्टर द इवनिंग मील, इवनिंग मील के बाद, मतलब शाम के खाने के बाद, द कारावन स्टार्टेड अगेन ऑन इट्स वे। और शाम के खाने के बाद दोबारा से वो अपने वे में, अपने जिस वे में वो जा रहे थे उसी वे में वो आगे बढ़े। ओके, आज के लिए इस क्लास सिर्फ इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे की स्टोरी देखेंगे कि क्या स्टोरी में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट आगे का थोड़ा सा चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। क्लास आपको कॉपी बनानी है, फोर्थ क्लास में आपको रजिस्टर बनाना है इंग्लिश रीडर का। ओके, और उस रजिस्टर में आपको होमवर्क में ये न्यू वर्ड्स करने हैं सभी को। ये होमवर्क दे रही हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा चैप्टर मैंने पढ़ाया है आज, और बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको ये न्यू वर्ड्स पूरे होमवर्क में करने हैं। ओके, मर्चेंट, रक्स, कारावन, फायरवुड, शेप, स्पेयर्ड एंड स्ट्रक, ऑसिस, ये सारी की सारी जितने भी न्यू वर्ड्स हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं। ओके क्लास, बाय, टेक केयर।